अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत को एक और बड़ी उपलब्धि। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाले उन्नत उपग्रह इनसेट 3D का फ्रेंच गुआना में यूरोपीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र कोरू से सफल प्रक्षेपण। रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 14 साल पहले आज ही के दिन भारतीय जवानों ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाया था। रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कहा, भारत और चीन घुसपैठ जैसे मामलों से निपटने के लिए मिलकर बना रहे हैं प्रभावी तंत्र। सीमा विवाद को भी सुलझाने की हो रही हैं कोशिशें। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के लाभार्थियों के खातों को सीधे आधार कार्ड से जोड़ने के लिए वित्त मंत्रालय बैंकों द्वारा खाताधारियों से संपर्क करने के लिए जारी करेगा निर्देश। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश, अहमदाबाद और जूनागढ़ में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के इलाकों में भी भारी बारिश की गई दर्ज। सौराष्ट्र के सभी बांध बारिश से हुए लबालब। फ्रांस के रक्षा मंत्री जॉन यव ली द्रियान भारत के 3 दिवसीय दौरे पर। भारत और फ्रांस के बीच यहां रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता होगी, जिसमें दोनों देशों द्वारा अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति के अलावा लगभग 80,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों पर चर्चा किए जाने की है संभावना। मुंबई शेयर बाजार का सूचकांक आज के शुरुआती कारोबार में 46 अंक चढ़कर 19,851 पर खुला। निफ्टी भी 16 अंक चढ़कर 5,924 पर खुला। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के अमेरिकी मिशन में सीरिया के विपक्ष के सदस्यों से की मुलाकात। विपक्षी दलों के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों को विस्तृत जानकारी देंगे। इससे पहले जॉन कैरी ने बताया था कि सीरियाई मुद्दे का केवल राजनीतिक हल निकाला जा सकता है। पश्चिमोत्तर स्पेन में हुई ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 80 हुई। 95 घायल अभी अस्पताल में भर्ती। एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि ट्रेन गति की निर्धारित सीमा से दुगनी गति से पटरी पर दौड़ रही थी। सरकार का कहना है कि घटना की जांच 2 जगह पर होगी। मिस्र की सेना ने मुस्लिम ब्रदरहुड को शनिवार की दोपहर तक देश के राजनीतिक रोडमैप पर हस्ताक्षर करने के लिए 48 घंटे का समय दिया। साथ ही हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।